तो ये जो इतनी बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है उसके बारे में आप कुछ बताइए, और साथ ही ये दौर जो बिल्कुल एक ऐसा दौर है गर्मा गर्मी का, ये कैसे मैनेज करें? देखिए, इस देश के करोड़ों दलित शोषित पीड़ित के मसीहा, इस देश के दूसरा अम्बेडकर, पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी का अचानक चला जाना, हम सब करोड़ों दलित शोषित पीड़ित अनाथ हो गए, अचानक चला जाना बहुत ही दुखद और अपूर्णीय क्षति है इस देश के लिए। पूरा परिवार, पूरा देश मर्माहत है। आप देख रहे प्रार्थना सभा चल रहा है हमारे यहाँ, और जो ये घटना घटी अचानक से, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग के मसीहा थे 50 साल से, जिनके बाप दादा साथ में रहे, उसके बच्चे भी इतना मानते थे, इतना प्यार करते थे। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ कि वो मेरे घर बेगूसराय है, खपरेल का मकान है, मेरे घर पर 4-4 बार गए हैं। वो मेरे सम्मान को भराया उन्होंने, एक छोटे बड़े कार्यकर्ता को प्यार करते थे, डांटते भी थे और मोहब्बत भी करते थे। बहुत लोग दुखी है, काफ़ी मर्माहत हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप देखते हैं कि वो जब उनको मुखाग्नि दे रहे थे तो बेहोश होकर गिर पड़े। काफ़ी दुख के संकट से हम लोग घिर रहे हुए हैं। लगता नहीं कि हजारों वर्ष में उनका कोई क्षतिपूर्ति कर पाएगा। और 20 तारीख को हमारे 19 तारीख को कार्यक्रम है सहरमणि पैतृक गांव, जहां से वो पढ़ाई करते थे, जन्म लिए थे। अब 20 तारीख को पटना प्रदेश कार्यालय में उनका एक साधक कर रहा है, और पूरे देश विदेश से उनके समर्थक, उनके अनुयायी आप पहुँच रहे हैं यहाँ पे। इस समय में जब ये चुनाव की इतनी गहमा गहमी है, ये परिस्थितियाँ हैं, तो ये पार्टी के लिए कैसा, मतलब कैसा दौर है? ये तो बहुत ही दुखद खबर हम लोग के लिए था और मिला इस तरह से अचानक चला जाना। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता, इस देश के दूसरा अम्बेडकर, जहाँ भी हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन करें, वहीं से आशीर्वाद दे और इस लड़ाई में हम लोग जीत हासिल कर सके। जिस वर्तमान सरकार के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ, जदयू उम्मीदवार के खिलाफ हमने उम्मीदवारी दिया है लोक जनशक्ति पार्टी को, मजबूती से लड़ाएंगे और जीत कराएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मजबूत गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसी हम ईश्वर से प्रार्थना। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthfloor.in को विजिट कीजिए, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।